नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, केवीएस के नॉन टीचिंग पोस्ट में जेएससी, स्टेनो, एसएससी, इन सब का रिजल्ट, और वो रिजल्ट आपके आंखों के सामने आ गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कट ऑफ हाई जाने वाला है और हाई ही गया है कट ऑफ। हालांकि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे किन्हीं कारणवश अगर रह गए हैं तो वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी हमेशा दूसरा चांस देगी और वहां पे आप लोग उसके लिए मेहनत करिए। हालांकि ये जो नोटिस है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी अभी है 28 साल, तुरंत ही केवीएस लगातार रिजल्ट दे रहा है। मैंने बोला था कि मई से पहले आपका रिजल्ट केवीएस का आ भी जाएगा, एकदम लास्ट वीक में आ भी गया है। यहां पे अगर देखा जाए तो सीबीएसई विल बी कंडक्टिंग स्किल टेस्ट 13 तारीख को, जो आपके लिए जरूरी सूचना ये है इसमें, वो 13 तारीख का आपका स्किल टेस्ट है। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और अभी किसी भी प्रकार के उन कहीं भी कुछ भी ऐसा आप क्या कर रहे थे, पढ़ाई में ढीला दे रहे थे, तो अब आप लोग तैयारी एकदम तेजी से कर दो, स्किल टेस्ट के लिए लग जाओ, क्योंकि अब आपको 13 तारीख का यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी जानकारी स्किल टेस्ट से संबंधित होगी वो आपको आशीष सर दे देंगे कि क्या रहेगा, उसका टाइपिंग किस पैटर्न पे होगा या फिर उसका सीपीटी क्या होगा, सब कुछ आशीष सर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कट ऑफ क्या गया है। तो जिसके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आप लोग जेएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 106.2816, और मैं आपको बता दूं ये नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड मतलब जो आपका परसेंटाइल बेसिस पे था उसके आधार पे ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके बिहाफ पे, और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद इस वाले में क्या होता है स्कोर को बढ़ा के ही लेते, इस कारण से ये थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको भी यही कट ऑफ बताया था कि जाएगा क्या, या आप देख लो तो फाइनल कट ऑफ 101 प्लस माइनस 5 बताया था, तो माइनस तो नहीं हुआ लेकिन प्लस हो गया। और उस समय मैंने बोला था कि हाँ भाई 90-95 तो हम सोच रहे हैं, बट जो फाइनली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं परसेंटाइल के, जो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल आने वाला है वो आपका 101 प्लस माइनस 5 ही होने वाला है, और यही आपके सामने आ भी गया है। तो कट ऑफ नो डाउट मैं आपको, क्योंकि जब वैकेंसीज कम होती हैं ये अनुमान था कि लगभग 80% के अप्रॉक्स में जाएगा, 80% प्लस ही जाएगा, और वही हुआ है। फाइनेंस ऑफिसर का 104 और स्टेनो ग्रेड 2 का 91 गया है। अभी इसमें एसएससी का नहीं आया है, एसएससी का अभी टोटल इसमें कम बच्चे थे, हालांकि आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो आपके सामने रिजल्ट है उसके लिए यहाँ पे देखते हैं। अपने अपने कैटेगरीज में देख लो, ओबीसी जो है उनका 91 गया है, यहां से यहां पे फर्क ज्यादा हुआ है। और अगर ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो यहां पे थोड़ा उम्मीद ये था कि ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से ज्यादा जाएगा, बट लगभग बराबर है, कम है, ये थोड़ा सा अच्छा हो गया है ईडब्ल्यूएस वालों के साथ। तो जनरल सबसे ज्यादा गया और जनरल में और ओबीसी में काफी फर्क देखने को मिला है, ये जनरली फर्क देखने को मिलता नहीं है। तो ये अगर देखा जाए यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो सारे बच्चे अनुमान लगाए हुए थे। जनरल वालों का कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो गया है 106, और जो मैं आपको पहले बता रखा था इसके हिसाब से तो देखा जाए लगभग आपका वहीं पे गया है। यहां पे 101 प्लस माइनस मैंने ओबीसी को लगभग 100 किया था, बट उसमें भी ये थोड़ा सा नीचे आया है, जनरल और ओबीसी का थोड़ा सा यहां पे रैंडमनेस आई हुई है। चलिए ये तो रहा कट ऑफ की बात, लेकिन अब आप लोग जो भी लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हो, अगर मैं आपको लिस्ट दिखाने की बात करूं तो इसमें बहुत सारे बच्चों की डायरेक्ट लिस्ट है। ये टोटल 7 करीबन 11 गुना बच्चे, 7900 समथिंग बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, 7984 बच्चे, अगर ये आप सही से देख पाओ, ठीक है। जो लास्ट रोल नंबर किसका है यहाँ पे, किरण कुमार वनदेव जी के हैं, किरण कुमार वानदेव, ये बहुत ही लकी हैं जो सबसे लास्ट में भी इनका क्या हो गया है, चयन हो गया है। तो फाइनली आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी करो, और अब किसी बात का आप लेट मत करो, सीपीटी की तैयारी ऐसे सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए क्लासेस ले रहे हैं। परीक्षा प्लस ऐप पे जाइए, सीपीटी बैच से जुड़िए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी भी करिए। डेली शाम को 8 बजे क्लास भी होता है, टेस्ट भी होता है, और अब कोई भी यहाँ पे ढिलवाही मत करिए वरना बाद में हमेशा के लिए पछताना रहेगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।